चाहे दर्ज पुरानी हो चाहे नई हो, वंदना तो माता की वंदना ही होती है। तो बहुत पुरानी तर्ज से एक वंदना दे रहा हूँ, हालांकि वंदना में तर्ज बताने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन मैं अपनी उम्र के हिसाब से जरूर बता देना चाह रहा हूँ। इशारे में बताइए। एक गीत बहुत पुरानी फिल्म का आप लोगों ने सुना होगा, कौन सा गुरु, जिसमें कहा गया क्या कि एक दिन तो समझ लेगी। हमारे भैया श्री राम अवतार गुप्ता जी, एक दिन तो समझ लेगी दुनिया मेरा अफसाना। एक दिन तो समझ लेगी दुनिया मेरा अफसाना। तो ऐ मेरे दिले नादान तू गम से ना घबरा। भारत में एक प्रदेश है गुजरात, गुजरात में एक शहर है सूरत, सूरत में माता सरस्वती का एक बड़ा ही भव्य विशाल माता सरस्वती भगवती का मंदिर बना है। तो मैं वहीं से शुरुआत करता हूं माता की आराधना के लिए कि तेरे आंचल में माता। अमृत की बहे धारा क्योंकि सूरत में है सरस्वती, सूरत में है सरस्वती तो मूरत में है सुख सा। दर्शन में तेरे तीरथ तेरे पथ में पुजारी हैं, दर्शन में तेरे तीरथ तेरे पथ में पुजारी हैं और भगवान भी माँ तेरे भिक्षुक हैं भिखारी हैं। तो जग जननी जगत भर में गूंजे तेरा जयकारा। सूरत में है सरस्वती और मूरत में है सूरत में सरस्वती।
वेदों के आखिर हर कलाकार माता सरस्वती भगवती का ही आवाहन क्यों करता है? जय हो। उसका कारण है, वो कारण ये है कि ये मैया ऐसी माता है कि वेदों के मंत्रों का तेरे मन में मंथन है। अरे वाणी में है गुरुवाणी, तो नानक का है गुरुद्वारा, सूरत में है सरस्वती, तो मूरत में है हुए आराधना के बिल्कुल अंतिम चरण माता के श्री चरणों में समर्पित करता हूं और कह रहा हूं मां क्या कि तू ऐसी देवी है मैया, ए मां तुम ज्ञान की तो देवी हो ही मां, अब तो तुम्हारे भक्त ज्ञान के अलावा कुछ और भी सब कुछ पा रहे हैं जो उन्हें चाहिए होता है। क्या बात है? क्या के तेरे कर कमलों से मां तेरे कर कमलों से मां लक्ष्मी भी बरसती है। हो कमलों से मां लक्ष्मी भी बरसती है और तेरे पद पखारने को वो गंगा भी तरसती है।